वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका किच्छा स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है किच्छा स्टेशन से गौरव मिश्रा भाई ने। किच्छा स्टेशन पर जैसा आप सब जानते हैं, फुट ओवरब्रिज का निर्माण यहाँ पर आजकल चल रहा है, जिसके लिए गर्डर वगैरह आ गए हैं। सामने आप भीड़ देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक पर, ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं 05:30 का, जो कि काठगोदाम से चलकर ठाकुर नगर जाएगी। ये वन वे ट्रेन है, सिंगल ट्रिप इधर से लगाएगी आज 16 मार्च को, और उसके बाद फिर इसकी जो वापसी होगी एक फेरे के लिए, ये ट्रेन चलाई जा रही है ठाकुर नगर से, ये लौटेगी 20 मार्च को। तो इसके लिए लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्योंकि रश आजकल होली का जो चल रहा है। तो यहाँ पर गर्डर देखिए पहुँच गया है, अभी गर्डर लॉन्चिंग यहाँ पर की जाएगी, ताकि जो पैदल पुल का काम यहाँ पर किच्छा स्टेशन पर होना है वो कंप्लीट किया जा सके। जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा गर्डर प्लेटफॉर्म नंबर दो पर यहाँ पर रखा हुआ है। तो कुछ प्रोजेक्ट की बात के साथ साथ आपको ट्रेन की झलक, उसका अराइवल और डिपार्चर हम आपको किच्छा स्टेशन से पहले दिखाएंगे, और आगे फिर भोजीपुरा से आज जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है 05:30 काठगोदाम से ठाकुर नगर, जो कि कोलकाता के पास पड़ता है पश्चिम बंगाल में, बंगाल स्टेट में हमारे। तो यहाँ पर पैदल पुल के लिए देखिए जो ढांचा है, स्ट्रक्चर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आपको दिख रहा होगा खड़ा किया जा रहा है, और अभी काम चल रहा है। और साथ ही साथ किच्छा से सितारगंज होते हुए खटीमा तक भी जो रेल लाइन बनाई जानी है, उसका कार्य भी नए बजट से कुछ शुरू होगा अप्रैल से, जैसा उम्मीद की जा रही है। तो यहाँ पर सामने से काठगोदाम की दिशा से 05:30 का अराइवल आप देख सकते हैं। इस ट्रेन में थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डब्बे लगाए गए हैं, और ये ट्रेन सुबह 10 बजे काठगोदाम स्टेशन से चली है आज 16 मार्च को, और ठाकुर नगर ये 17 मार्च को शाम को 19:30 पर पहुँचेगी। रास्ते में ये बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर, मालदा टाउन, बर्धमान, कोलकाता होते हुए ये पहुंचेगी ठाकुर नगर। तो सामने आप देख सकते हैं स्पेशल ट्रेन, इसकी झलक किच्छा स्टेशन से हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाती हैं, फेस्टिवल स्पेशल या फिर जब समर स्पेशल चलाई जाती है, तो यहाँ से काठगोदाम और विशेषकर हमारे जो कुमाऊँ क्षेत्र के पहाड़ के जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, बहुत लंबे समय से ये इज्जत नगर मंडल के अधिकारियों को भी लिख रहे हैं, रेल मंत्री जी के भी माध्यम से बात कही जा रही है कि परमानेंट ट्रेन्स कुछ होनी चाहिए। जैसे मुंबई सेंट्रल तक काठगोदाम से जो ट्रेन चलाई गई है, अभी समर स्पेशल के रूप में वो चलती है, पिछले साल भी चली थी, तो उसको परमानेंट किया जाए, परमानेंट नंबर दे करके वीकली ट्रेन रहे लेकिन परमानेंट किया जाए। कुछ और ट्रेन्स ऐसे ही, लालकुआ जंक्शन पर हमारे पास काफ़ी स्पेस है, यार्ड वहाँ का काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे ट्रैक्स हमारे पास हैं, लेकिन लालकुआ जंक्शन से भी कुछ लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ, विशेषकर दक्षिण भारत के जो हमारे राज्य हैं, तमाम शहर हैं, सिकंदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया और कोचुवेली है, तो यहाँ के लिए केरला तक अगर ट्रेन्स शुरू करें तो तमाम दक्षिण भारत में जो दर्शनीय स्थल हैं, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, यहाँ के लोग वहाँ जा सकेंगे और दर्शन करने। रामेश्वरम जाते हैं लोग, तमाम साउथ में हमारे टेम्पल्स हैं, और वहाँ के लोग भी नैनीताल आ सकेंगे, अल्मोड़ा आ सकेंगे, रानीखेत आ सकेंगे घूमने, पिथौरागढ़ है। तो यहाँ पर जो रेल सेवा है, कुछ ट्रेन्स लंबी दूरी की अब चलाई जानी चाहिए, ताकि जो बड़ी लाइन अमान परिवर्तन के बाद एक लंबे समय से अब ब्रॉडगेज यहाँ पर नेटवर्क हो गया है, पूरा रूट अब इलेक्ट्रिफाइड हो गया है इज्जत नगर मंडल में, तो कम से कम कुछ लंबी दूरी की ट्रेन्स ना सिर्फ होली स्पेशल तक या समर स्पेशल तक सीमित रहें, बल्कि उनको अब परमानेंट करने पर रेलवे को विचार करना चाहिए, क्योंकि लोड बहुत है, सवारियां आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि ट्रेन खाली जाएगी। तो आप इस दिशा में अब प्रयास करिए, और इज्जत नगर DRM मैम हमारी आ गई हैं, तो उनको भी अब प्रयास करने चाहिए कि कुछ नई ट्रेन्स लॉन्ग रूट्स की हम काठगोदाम से वीकली या बाई वीकली और लालकुआ जंक्शन से अगर हम चला सकें तो उससे बहुत लाभ होगा लोगों को, इस पर विचार करना चाहिए। और भोजीपुरा जंक्शन से स्किप करते हुए इस स्पेशल ट्रेन का व्यू भेजा है दीपक ने, इसको आप देखिए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।